नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरण दास आज पहुंचे हैं राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में, जो कि बिहार कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। बता दें कि इससे पहले शक्ति सिंह गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष। तब उनकी जो सिफारिश जो उनका इस्तीफा था उसे मंजूर किया गया, और उसके बाद भक्त चरण दास को बिहार प्रभारी नियुक्त किया गया। और जब पहली बार प्रभारी बनने के बाद पटना पहुंचे तो किस तरीके से सदाकत आश्रम में जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के तमाम कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, और किस तरीके से तमाम समस्या को उनके सामने रख रहे हैं। खास तौर पे विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट को लेकर धांधली का आरोप लगाया गया था आला कमान पे, ऐसे में क्या कुछ बोल रहे, किस तरीके से उन्हें अपनी समस्या बता रहे हैं, और बिहार कांग्रेस को मजबूत करने में क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्या कुछ उनके समक्ष रखा जा रहा है, आइए देखिए इस वीडियो में। गाँव को आदमी को जोड़ा जाए सर, बिल्कुल एक ही भीड़ आपको घेरे रहेगा, इसीलिए पार्टी का एक दुर्दशा है। ठीक कह रहे हैं, 100% एक ही भीड़ आपको घेरे रहेगा। नहीं, हम गांव में कोई नहीं जाता रहे, मैं जानता हूं कि सर एक मिनट, इसमें कोई और ग्रास रूट के वर्कर को अध्यक्ष बनाइए सर, यहां गांव में कोई नहीं कर रहा। पटना के आदमी को अध्यक्ष मत बनाइए सर, किसी जिला देहात के आदमी को अध्यक्ष बनाइए सर, वो काम करेगा। एनर्जेटिक आदमी को बनाइए जो एतवारू हो। गांव में प्रचार प्रसार कुछ है ही नहीं सर। जो संगठनकर्ता को दिया, राहुल गांधी पर इसका विश्वास है, संगठनकर्ता को दिया जाए। नीचे से चुनिएगा सर, पार्टी आपका जिंदाबाद। 100% ये लोग जो है देहात से आया है, सही बात। हम भोजपुर से हैं सर, भोजपुर से हैं, बगल का जिला है सर, प्रभारी साल साल भर पर कोई नहीं जाता है सर। हम लोग सर एक ऐसे मत मिलिए सर, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक कीजिए सर। मैं आपके पास जाऊंगा, मैं सर सर एक बार जाऊंगा सर, और सारे जाएंगे। नहीं, एक मिनट, ये सुनते आ गए सर, हम 30 बरस से ही सुन रहे हैं। एक चीज सर, और जो आता है वही कहता है कि जाएगा लोग, लेकिन हुआ नहीं सर, ये नहीं हुआ सर। जिला में टिकट नहीं मिला, छपरा में नहीं, भोजपुर में नहीं। मैं बोल ही रहा हूँ सर, जब मैं बोल ही रहा हूँ जी, आप सर नीचे के वर्कर हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग भी नीचे से आए हैं, ये भी आप जान लीजिए। मैं सब समझता हूँ, बोलता हूँ। पैदा लिए और वहाँ से कांग्रेस की टिकट काट दी जा रही है, वहाँ के कद्दावर नेता वहाँ से लगातार राजनीति करते आ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार जी, वैसे वैसे लोगों को टिकट काट कर किस तरह से गठबंधन होती है, किस तरह से सीट शेयरिंग होती है, इसको सर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो गोहिल जी और जो राठौर जी है, उस तरह की पुनरावृत्ति आप मत करेंगे, आपसे बहुत उम्मीद है और बहुत अपेक्षा है सर। सर अब दूसरा तकलीफ है सर, लोग 30 साल से रोड पर है सर। सुनिए ना सर, आप हमारा एक महीना काम ओके सर। तो आपने सुना, साफ तौर पर जो कार्यकर्ता हैं इनसे साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि बिहार कांग्रेस में जो विधानसभा चुनाव में धांधली हुई थी उसकी जांच हो, साथ ही साथ और भी तमाम मसलों पर खुलकर बात की। और भक्त चरण दास यानी कि जो नए प्रभारी हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मामला है उसे बहुत ही जल्द सुलझा लिया जाएगा। और बता दें कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि कोई पार्टी बोल रहा है कि हम पार्टी तोड़े तो हम पार्टी तोड़े, ऐसे में क्या कुछ होगा, आज नेता प्रतिपक्ष से भी भक्त चरण दास मिलेंगे और क्या कुछ समीकरण बनता है वह देखने वाली बात जरूर होगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।